हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इन चार फंक्शंस का बारी बारी से रेंज निकालेंगे। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसका हम लोगों को रेंज निकालना है, ठीक है। तो रेंज में डिफरेंट क्वेश्चंस में डिफरेंट अप्रोचेज लिए जाते हैं, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। आप बहुत सारे वीडियोज हैं डोमेन और रेंज के, आप उसको देखिए, फिर इसको भी देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसमें करेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को हम लोग वाई एज्यूम कर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जो भी एल्जेब्रिक टाइप का क्वेश्चन होता है एक्स वाई इन्वॉल्विंग, ठीक है, तो उसको इस अप्रोच से जनरली बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। हम लोग कर क्या रहे हैं, ये फंक्शन लिखा है वो वाई इक्वल टू एक्स के टर्म में, हम लोग एक्स को लिखेंगे वाई के टर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको देखिए, ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस x को इधर ले, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये अब क्वाड्रेटिक टर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके, x के। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी होता है ना, तो a इक्वल टू हो गया यहाँ पे y, समझ में आ रहा है। फिर b इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस वन, समझ में आ रहा है, ठीक। और c इक्वल टू यहाँ पे है y, ठीक है। तो ए बी सी पता है और x के टर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होल डिवाइडेड बाई टू ए, यही होता है ना रूट्स का इक्वेशन। तो अब यहाँ पे देखिए कि x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी पहले से कितना है, माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू वन, तो 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए इज y एंड c इज y, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 4 वाई स्क्वायर, समझ में आ रहा है, क्योंकि a इक्वल टू कितना है y और c इक्वल टू भी है y, तो 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 a, a कितना है यहाँ पे y, तो ये हो जाएगा 2 a, इट मींस 2 y, समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखिए कि ये x इक्वल टू इतना है, अब इसके अंदर क्या है, रूट है, तो रूट डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो भी चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये हो गया वन माइनस फोर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे यहां पे कि अब यहां पे ये देखिए, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग फोर वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस वन बाई फोर लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है यहाँ पे y माइनस वन बाई टू इंटू वाई प्लस वन बाई टू लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके दो रूट्स हुए, एक माइनस वन बाई टू, एक हो गया प्लस वन बाई टू, तो इसको नंबर लाइन पे यहाँ पे देखिए, एक हो गया माइनस वन बाई टू, एक हो गया वन बाई टू, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एक नंबर यहाँ पे डालिए, ठीक है, और फिर देखिए कि साइन क्या होता है, तो यहां पे होगा इसका होगा नेगेटिव, इसका होगा पॉजिटिव, इसका होगा पॉजिटिव, हम लोगों को चाहिए क्या, नेगेटिव लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका क्या होगा, वाई बिलोंग्स टू कहां से कहां हो जाएगा, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल होगा, क्यों, क्योंकि यहां पे इक्वल टू साइन है, तो जो भी ये यहां पे रूट्स हैं वो यहां पे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो ये एक चीज हुआ, ठीक है। और अब यहां पे ये देखिए कि यहां पे वाई नीचे में, ठीक है, तो y यहां पे कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो जब इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये पता चला कि y बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू से वन बाई टू क्लोज इंटरवल और y इज नॉट इक्वल टू जीरो, इससे पता चला। लेकिन यहां पे आप देखिए कि जब x इक्वल टू जीरो जब पुट करते हैं, ठीक है, यहां पे पुट करके देखिए x इक्वल टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो डिवाइडेड बाई वन प्लस जीरो इक्वल टू जीरो बाई वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि ये जीरो पे डिफाइंड, मतलब y जब जीरो है तो x का कोई वैल्यू है, तो इसको हम लोग रेंज में लेंगे, इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है कि ये y नीचे में है यहाँ पे, तो y नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ये ठीक है कि y नॉट इक्वल टू जीरो हुआ, लेकिन ये एक इक्वेशन से हुआ, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे y नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का कभी भी आउटपुट जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब x इक्वल टू हम लोग जीरो पुट कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि y इक्वल टू जीरो वैल्यू दे रहा है, मतलब y पे कोई ऐसा चीज नहीं है कि ये जीरो आउटपुट नहीं दे सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जीरो को भी इंक्लूड करेंगे, तो इसका रेंज हो जाएगा हम लोगों का माइनस वन बाई टू से वन बाई टू क्लोज इंटरवल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) = 3 / 2 - x स्क्वायर। तो मैंने अभी कहा था कि जो भी अल्जेब्रिक क्वेश्चंस होते हैं उसको जनरली जो जनरल अप्रोच होता है सॉल्व करने का वो होता है इसको अज्यूम कर लीजिए y, फिर x को y के टर्म में लिखिए और फिर रेंज निकालिए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं y इक्वल टू 3 / 2 - x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा 2y - x स्क्वायर y इक्वल टू 3। ठीक है, सिंपल है। अब क्या करते हैं हम लोग इसको कि इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 2y माइनस 3। इसको इधर लेके आ गया, सेम चीज है, ये एक्स स्क्वायर वाई इधर गया तो ये पॉजिटिव हो गया, फिर 2y यहां था, ये 3 इधर आया तो ये माइनस हो गया यहां पे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रूट ओवर 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y, समझ में आ गया। तो इसको जब हम लोगों ने इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया तो क्या हुआ कि पहले ये y इक्वल टू x के टर्म में था, अब इसको मैं ट्रांसफॉर्म कर दिया x इक्वल टू y के टर्म में, तो अब y के अंदर जो भी चीज है, मतलब इस रूट के अंदर जो भी चीज है वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिफाइन होने के लिए। तो यहां पे 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाई y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन y यहां पे नीचे में है तो एट द सेम पॉइंट y इज नॉट इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज डिवाइडेड बाय 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दो कंडीशन हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, तो अब ये यहां पे देखिए, यहां पे दो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक y इक्वल टू 0 और एक y इक्वल टू 3/2, समझ में आ रहा है, एक हो गया 0, एक हो गया 3/2, होगा ना, क्योंकि 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 3/2, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे कि अब इसका साइन स्कीम देखना है, इन दोनों के बीच में या कहीं पे भी एक एक नंबर यहां पे डाल दीजिए, यहां पे डाल दीजिए 1। ठीक है, जब यहां पे 1 आप डालेंगे तो देखिए कि इस फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, यहां पे 1 डालने से y इक्वल टू 1 डालिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू, ये क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव, तो ये हो गया निगेटिव, फिर ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। अब ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है, जहां y नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ग्रेटर देन के लिए क्या होगा, इधर है माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये बोल रहा है कि ये कहां से कहां होगा, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव पार्ट लेना है हम लोगों को, माइनस इन्फिनिटी टू 0, और 0 ये कभी होगा नहीं, नहीं होगा मतलब छोटा ब्रैकेट, ठीक है, और इन्फिनिटी में हमेशा छोटा होता है, और यूनियन फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 से इन्फिनिटी, पॉजिटिव पार्ट तो इधर है ना, यहाँ पे पॉजिटिव दो ही तरह, यहां से पीछे और यहां से आगे, और 3/2 चूंकि ऊपर से आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे जीरो कंडीशन तो यहाँ पे नहीं है कि इक्वल टू होगा कि नहीं जीरो, तो ये यहाँ पे हमेशा ये इक्वल टू वाला पार्ट आएगा, ठीक है, तो ये इंक्लूड होगा और ये नहीं होगा, समझ में आ रहा है। तो इस फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व करते हैं, इसको उससे भी कर सकते हैं y इक्वल टू एज्यूम करके इतना और फिर x को y के टर्म में लिख के, लेकिन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखिए कि दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहां पे मैं लिख दिया और फिर प्लस 1 लिख दिया तो ये इक्वल टू 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इक्वल टू यहां पे हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड फिर प्लस हो सकता है 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, ये फिर इतना हो जाएगा और फिर ये ऊपर उतना, सेम टू सेम इसी चीज को मैं ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो दैट इक्वल टू ऐसा हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, समझ में आ रहा है, ये क्यों कर रहे हैं ये थोड़ी देर में पता चलेगा। तो दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई, ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए एक्स प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ऐसा मैंने क्यों लिखा, इसको एक्सपेंड कीजिए, ये क्या होगा यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2ab होता है 2 इंटू 1/2 प्लस यहां पे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है, और फिर प्लस 3/4 होगा ना, ये 2 यहां पे कैंसिल हो गया, ये x यहां पे होगा 2ab, ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 और ऊपर में 4 दिस इक्वल टू 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सेम चीज है जो यहां पे लिखा हुआ था उसी को मैंने यहां पे लिखा,
ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि एक टर्म मुझे ऐसा पता चल गया जो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ऐसा करने से अब हमको क्या हो सकता है कि अब एनालिसिस इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये देखिए, रेंज में अब यहां पे क्या निकालना है हम लोगों को कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ये दोनों चीज पता चल जाए तो नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट पता चल जाएगा, तो पता चल गया रेंज कितना है, ठीक है। अब यहां पे ये देखिए कि एक्स जब यहां पे एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। ये तो टोटल बहुत बड़ा टर्म हो जाएगा, उसमें 3+4 जोड़िए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो इन्फिनिटी ही होगा। तो 1/∞ यहां पे हो जाएगा, 1 में बहुत बड़े नंबर से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, दिस अप्रोच टू 0 होगा ना, तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो इट मींस यहां बचेगा कितना, 1, समझ रहे हैं। जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो ये यहां पे f ऑफ x टेंड्स टू कितना हो जाएगा, 1। ये इक्वल टू 1 नहीं हो, ये हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे कि टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये टेंड्स टू 1 है, नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब हम लोग रेंज का ब्रैकेट वहां पे देखेंगे तो 1 होगा, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है टेंस टू 1 नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे देखिए तो ये तो पता चल गया कि x जब इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा इस फंक्शन का, ठीक। अब देखते हैं कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे ये टर्म अगर 0 हो जाए, ठीक है, मैक्सिमम होने के लिए नीचे वाले टर्म को यहां पे मिनिमम होना पड़ेगा, जितना ये कम होगा तो 1 में उतने कम से डिवाइड करेंगे तो ये बड़ा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को कम होने के लिए कम से कम ये चीज कितना हो सकता है, ये तो 0 हो सकता है, यही है ना। जब स्क्वायर है कोई पॉजिटिव, यहां पे इसको हमेशा पॉजिटिव होना ही है, तो इट मींस कि ये मैक्सिमम मतलब मिनिमम कितना हो सकता है, ये 0 हो सकता है। तो ये 0 होगा कितना पे, एक्स जब एक्स प्लस 1/2 इक्वल टू 0 कब होगा, जब एक्स इक्वल टू 1/2 होगा माइनस में, समझ में आ रहा है ना। जब यहां पे माइनस 1/2 हो जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये टर्म 0 हो जाएगा। तो इट मींस कि जब एक्स यहां पे माइनस 1/2 होगा तब इस फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो कितना हो जाएगा ये, 1+1/0+3/4 यही होगा ना। तो अब कितना हो जाएगा ये, 1+1/3/4 4 ऊपर जाएगा, ठीक हो जाएगा 1+4/3, ठीक है। तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 7/3, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, जब x इन्फिनिटी हो गया तो 1 हो गया। तो इट मींस इसका रेंज कहां से कहां हो जाएगा, 1 से 7/3, ठीक है। और 1 क्या होगा यहां पे, ये अप्रोच है टेंस टू, तो ये हो गया 1 छोटा ब्रैकेट, और 7/3 यहां पे जो कि x इक्वल टू -1/2 पे आ रहा था, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 7/3। तो इसको हम लोग इस तरह से क्लोज कर देंगे, इसका रेंज हो जाएगा ये। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसका रेंज निकालते हैं, ठीक है। तो ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये होता क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डिवाइडेड बाई, ये भी हो गया x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये भी हो गया 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों का वीडियो है, आप दोनों को देखिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 से छोटा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये भी इसका प्रॉपर्टीज है। अब हम क्या करेंगे यहां पे कि सबसे पहले अब यहां पे क्या करते हैं, इसको रीराइट करते हैं इस तरह से, 1 - 1/(1+) फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सेम चीज है ये, ठीक है, क्योंकि ये यहां पे लाइए फिर माइनस 1, मैं 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर इतना ही बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे मैं इसको अब यहां पे लिख रहा हूं कि ये हो जाएगा 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, लेस देन 1+1 = 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0+1 = 1, आ गया समझ में, ठीक है। अब क्या होगा, 1/, ठीक है, ये 1/1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1/2 और लेस देन इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब आप 2 लिखते हैं लेस देन 3, ठीक है, तो 1/2 ग्रेटर देन हो जाता है क्या, 1/3, ठीक है, जब 1/ करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहां पे ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है कि माइनस करना है इसमें, तो अब इसको फिर से लिखते हैं यहां पे, ठीक है, ये हो गया -1/1+ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक।
जब ये माइनस होगा तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा इधर कितना वन बाई टू। समझा, ये माइनस किया मैंने तो माइनस वन बाई टू, और ये हो गया माइनस वन इधर, ये इधर आ गया और वो उधर आ गया। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है कि यहां पे आप देखिए इस टर्म के पास पहुंच गए हम लोग, अब फिर इसमें वन ऐड करना, इस टोटल में वन ऐड करना, तो हो गया वन माइनस वन बाई वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये हो गया कितना माइनस वन बाई टू प्लस वन, यहां पे ऐड किया हम लोगों ने, और यहां पे ऐड किया माइनस वन प्लस वन। ठीक है, ये इस तरह से होगा, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया जीरो, तो ये फंक्शन हम लोग पहुंच गए ना वहां पे, ये वही फंक्शन है, ये यही फंक्शन है, फिर ये यही फंक्शन है, तो इस फंक्शन पे पहुंच गए, इसका हमको ये वैल्यू और ये वैल्यू पता चल गया। तो ये क्या है यहां पे जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया वन माइनस वन बाई वन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा वन बाई टू। समझ में आ रहा है। तो अब इसका रेंज कितना हो गया इस फंक्शन का, जीरो से वन बाई टू, ये जीरो हो गया इंक्लूडिंग, वन बाई टू हो गया एक्सक्लूडिंग।